खुशखबरी, बीसीसीआई ने रातों रात इमरजेंसी में दूसरे टी20 के लिए धर्मशाला भेजा 10 साल पुराना धाकड़ बल्लेबाज। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने धर्मशाला के लिए भेज दिया है? बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन और चाहते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज को भी क्लीन स्वीप कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्रीलंका इस समय भारत के दौरे पर है, जहां 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाने वाली है। पहले T20 मुकाबले की बात करें तो उस मुकाबले को भारतीय टीम ने एक बड़े अंतर 62 रनों से जीत लिया है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 200 रनों का टारगेट दिया था श्रीलंका को और श्रीलंका 137 रनों पर ही रुक गई। ऐसे में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 62 रनों पर रोक दिया है। लेकिन दोस्तों, बात करें दूसरे मुकाबले की, तो 26 फरवरी को होने वाला है, यहाँ पर शनिवार के दिन धर्मशाला में दूसरा टेस्ट मुकाबला। और दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में अगर जीत पाती है तो भारतीय टीम को पूरा पूरा इस सीरीज को कब्जा कर लेगी और आखिरी मुकाबला बचा रहेगा क्लीन स्वीप करने के लिए। ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले को जरूर जीतने वाली है। ऐसे में दोस्तों, इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी निकल कर आ रही है। T20 के लिए सबसे बढ़िया बल्लेबाज को भेज दिया है BCCI ने, इमरजेंसी में वो फैसला लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों, ये क्यों हो रहा है हम आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पहले मैच से पहले ही चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्हें पहले मुकाबले में कंसीडर नहीं किया गया था और माना जा रहा था कि उनकी चोट थोड़ी गहरी है और उन्हें टीम इंडिया से कुछ मैचों के लिए आराम दिया जाना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को आराम देने के बाद भारतीय टीम को बैकअप के रूप में किसी एक खिलाड़ी को चुनना था। और अब दोस्तों, जिस खिलाड़ी को भारतीय टीम ने चुना है उसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, शिखर धवन की टीम इंडिया में वापसी होने वाली है। दरअसल दोस्तों, ओपनर शिखर धवन को एज अ बैकअप ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ चुना गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। धवन की बात करें तो धवन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं उनका आप सब रवैया तो जानते होंगे। धवन की T20 इनिंग्स की बात करें तो 66 इनिंग में उन्होंने बल्लेबाजी की है, जहां उन्होंने 1759 रन बनाए हैं 27 की एवरेज और 128 की स्ट्राइक रेट से। तो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम उनको मौका देती है या नहीं, क्योंकि उनकी वापसी होगी तो बहुत कुछ बदलेगा। आपके हिसाब से क्या धवन को खिलाना चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।